Krishna, Krishna. Hare, Hare. Hare, Ram. Hare, Ram. Thank you.
गोत्रमन्ने हरि हरि बोल। श्री श्री गौर मिथाय की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की, श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु वरांग शील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज गौर पूर्णिमा के महामहोत्सव में आप सबका स्वागत है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गौर, या जो हम लोग बोलते हैं गौर निताई क्या है? कई बार बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है, ये कोई गौरा जी है क्या? गौर निताई का मतलब क्या है? गौरांग तो महाप्रभु कौन है? कितने लोग ऐसे हैं जो गौरांग महाप्रभु के विषय में, गौर के विषय में, निताई के विषय में, निवाई के विषय में जानते हैं, वो हाथ खड़ा करें। जो नहीं जानते हैं, बकाया कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग हाथ नहीं खड़े किए, वो लोग नहीं पता है। उनके विषय में सबसे पहले हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत विशेष दिन है। हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, जो कि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों पर आधारित है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जन्माष्टमी, जितना जन्माष्टमी महत्वपूर्ण है, उतना ही दिन आज गौर पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। लेकिन आम जन समुदाय को जन्माष्टमी के विषय में तो पता है, लेकिन गौर पूर्णिमा के विषय में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि गौर पूर्णिमा यह है क्या। वास्तव में जन्माष्टमी भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि जन्माष्टमी है क्या। जन्माष्टमी में लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण का जन्मदिन है ना, आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है। लेकिन भगवान कृष्ण कौन है, क्या है जन्माष्टमी, वो बहुत कम लोग समझते हैं। क्योंकि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और सब उनके दास हैं। जितने देवी देवता हैं सब उनके दास हैं, केवल एक पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण है। ये बात जानने वाले लोग बहुत विरले हैं। बहुना नाम जन्मामंते ज्ञानवानाम प्रपद्धते वासुदेवा सर्वति समहात्मा सुदुर्लभा। भगवत गीता 7वां अध्याय 19वां श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं कि कई जन्मों के बाद किसी को ये ज्ञान होता है कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, और वो उनके शरणागत जो होता है वो महात्मा है। क्योंकि अक्सर समाज का स्थिति ये है कि जब जो होता है उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसका महत्व तो नहीं जानते कि आज विशेष क्या। जैसे हनुमान जयंती है, शिवरात्रि है, नवदुर्गा है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्दशी है, तो हम एक आम जनमानस की नजर में क्या है, सब एक है ना। आज गणेश चतुर्दशी है, आज शिवरात्रि है, आज हनुमान जयंती है, आज ये है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जन्माष्टमी का स्थान सर्वोपरि है, जैसे कि परमात्मा का स्थान सर्वोपरि है। देवी देवता 33 करोड़ है, लेकिन परम भगवान कितने हैं, एक। परमात्मा कितने हैं, एक है। उसे मुस्लिम अल्लाह बोलते हैं, यहूदी यहोवा बोलते हैं, ईसाई गॉड बोलते हैं, और हम सनातन धर्मी क्या करते हैं, सर खुजलाते हैं, बोले कौन, कभी ये कभी वो कभी ये। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण है। और ये बात कोई अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ही नहीं कह रहा, हमारे वेद शास्त्र पुराणों में इसका स्पष्ट वर्णन है। अब आप कहेंगे ये गौर पूर्णिमा के दिन आप जन्माष्टमी क्यों लेके बैठ गए, है ना? क्योंकि गौर पूर्णिमा का जन्माष्टमी से विशेष संबंध है। जब आप कृष्ण को समझोगे तब आप गौरांग महाप्रभु को समझ पाएंगे, या जो कहें जब गौरांग प्रभु महाप्रभु को समझेंगे तब कृष्ण को समझ पाएंगे। तो आज गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। और ये कब आए थे चैतन्य महाप्रभु, आज के लगभग 500 साल पहले इस धराधाम पर। और कौन है चैतन्य महाप्रभु, अक्सर लोग जानते हैं कि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं।
और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे वेद पुराण उपनिषद सब में उनका वर्णन है। अभी समाज में क्या चल रहा है कि बहुत से लोग बोलते हैं मैं कल्कि का अवतार हूं, है ना। टीवी का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें 22 कल्कि के अवतार बैठे थे, बोले मैं कल्कि हूं, मैं कल्कि हूं, आपस में लड़ रहे थे। तो ये समाज को धोखा देना है। कोई भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान के विषय में, भगवान के अवतरण के विषय में शास्त्रों में पहले से दिया होता है कि इस युग में, इस समय, इस काल में इस ये भगवान का अवतरण होगा। जैसे जन्माष्टमी यानी कृष्ण का जन्मोत्सव कब आता है पता है आपको? ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं भगवान, और ब्रह्मा जी का जो दिन है वो 1000 चतुर्युगी मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी 43,20,000 सालों का होता है चतुर्युगी, 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर, 12,00,000 कुछ सालों का त्रेता और सतयुग 17,00,000 कुछ सालों का, ऐसे टोटल मिला करके जब चारों युगों को जोड़ेंगे तो होते हैं 43,20,000 साल। एक चतुर्युगी इंटू 1,000 इतना बड़ा होता है ब्रह्मा का एक दिन। और एक दिन में आते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। आप सोच करके देखिए कितनी द्वापर, कितने त्रेता, कितने सतयुग, कितने कलयुग निकल जाते हैं, तब आते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना, एक बार। और वो कब आते हैं उसका भी निश्चित समय है। शास्त्रों में सारा वर्णन है भगवान के विषय में। ऐसा नहीं कि किसी को भी भगवान बोलो भगवान मान लिया जाए। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, और वो कब आए थे? अभी जो द्वापर युग निकला है, यानी 5,000 साल पहले लगभग भगवान कृष्ण आए थे इस धरा धाम पर, जो कि परब्रह्म परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, अभी 5,000 साल पहले। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि 5,000 साल पहले ही भगवान आए और उन्होंने भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ का उपदेश दिया, महान शिक्षा का उपदेश दिया हम लोगों को। और हम लोग और अधिक भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी भगवान कृष्ण आते हैं, उसका बाद का जो कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी 1000 चतुर्युगी में एक बार आते हैं, और वो कब आए हैं? अभी 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, जो कि कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। प्रश्न उठता है कि 500 साल पहले वो धराधाम पर एक भक्त के रूप में क्यों आए? क्योंकि भगवान के अवतरण का, भगवान के आने का कोई ना कोई कारण होता है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी स्थान पर ऐसे ही जाता है बिना किसी कारण के? वही कारण होता है तब जाता है, है ना। ऐसे भगवान के अवतरण का भी कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का कारण क्या है? आज के ही दिन वो अवतरित हुए थे, और अवतरण का कारण है, वैसे तो शास्त्रों में भगवान के अवतरण के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं संक्षेप में दो पर संक्षेप में चर्चा करता हूँ। एक कारण है भगवान का कि भगवत गीता का भगवान ने उपदेश दिया 5,000 साल पहले श्री कृष्ण ने, और जब भगवत गीता का उपदेश दे दिया तो आम जनमानस ने सोचा ये भगवत गीता को प्रैक्टिकल नहीं उतारा जा सकता आचरण में। ये कहने सुनने तक ठीक है, लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति इसको अपने आचरण में नहीं उतार सकता। तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया द्वापर युग में, और कलयुग में स्वयं भक्त रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भगवत गीता की एक एक शिक्षा को अपने जीवन में आचरण में उतार करके दिखाते हैं कि भक्त किस प्रकार से भगवान के उपदेशों को अपने आचरण से अपने जीवन को धन्य कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता को एक एक श्लोक को अपने आचरण में उतार करके दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भगवान कृष्ण गोलोक धाम में थे और देखते हैं राधा रानी को कि राधा रानी जो है वो मुझसे भी अधिक आनंद में है। तो भगवान सोचते हैं कि इन राधा रानी को इतना क्या आनंद मिलता है कि जो ये मेरा रूप माधुरी मुझे देख करके इतनी खुश होती है, इतना प्रसन्न होती है, कभी रोती है तो कभी नाचती है तो कभी हंसती है, ऐसा क्या इन्हें रूप मेरे रूप माधुरी का आनंद मिलता है।
तो भगवान ने सोचा कि मैं क्यों ना राधा रानी का भाव ले लूं, उनके मूड में चला जाऊं, उनकी सोच में चला जाऊं, उनके विचारों में चला जाऊं, जिससे कि उस विचार को आत्मसात करके मैं भी तो देखूं कि ये राधा रानी कौन सा आनंद लेती है, और इनका आनंद मेरे आनंद से भी कई हजारों गुना अधिक है। तो उस आनंद को लेने के लिए भगवान राधा रानी के भाव को ग्रहण करते हैं। तो भगवान कैसे हैं? सांवले हैं, है ना? कृष्ण कैसे हैं? सांवले हैं। लेकिन राधा रानी कैसी हैं? गोरी हैं। और कृष्ण जैसे ही राधा रानी के भाव में जाते हैं तो वो सांवले से कैसे हो जाते हैं? गोरे हो जाते हैं। इसलिए उनको गौर भी बोलते हैं, गौर वर्ण है उनका, गोरा वर्ण है ना। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के विषय में, अवतरण के विषय में, प्राकट्य के विषय में शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में जब कलयुग और द्वापर का संध्या वेला होगा, है ना, अभी वास्तव में कलयुग का शुरुआत नहीं हुआ है, है ना, कलयुग का अभी शुरुआत में कितना समय हुआ है? 5000 साल। 5000 साल पहले द्वापर था और 5000 साल से लगभग अभी कलयुग है। अभी कलयुग का उम्र कितना है? 4,27,000। टोटल 32,000 है, 5000 निकला तो भी कितना बचा है? 4,27,000 साल का अभी कलयुग बकाया है। और जैसे दिन कितने घंटे का होता है, बड़े ध्यान से समझिए, दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। और 12 घंटे की क्या होती है? रात होती है। लेकिन संध्या वेला जो होती है उसमें ना दिन होता है ना रात होती है, यानी दिन समाप्त होने की ओर होता है और रात्रि शुभारंभ होने के लिए होता है, तो वो बोली जाती है संध्या वेला। ना वो दिन है ना वो रात है। तो अभी जो युग चल, अभी जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम, ये ना द्वापर है ना कलयुग है, ये संध्या वेला है। जब कलयुग की वास्तव में शुरुआत हो जाएगी तो स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। अभी भी हम समाज को देख रहे हैं कि 100 साल के अंदर समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। 100 साल पहले लोग भागवत, भगवत गीता, रामायण, महाभारत इनको पढ़ते थे, इन पे चर्चा होती थी, और 100 साल के अंदर दूरदर्शन और दूरदर्शन के बाद इंटरनेट ने बिल्कुल सर्वनाश कर दिया, है ना? और आने वाले समय में कौन कौन से और दूरदर्शन, कौन कौन से नेट आने वाले हैं, हम लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन आएंगे और आ करके अपना इतना बड़ा प्रभाव दिखाएंगे कि हम जो कुछ थोड़ा बहुत अभी गौरा पूर्णिमा पर, जन्माष्टमी पर, शिवरात्रि पर तो कम से कम याद करते हैं, अभी समाज कम से कम जन्माष्टमी होती है, शिवरात्रि होती है तो हर व्यक्ति को भगवान की याद आती है। द्वापर और त्रेता और सतयुग में ऐसा नहीं होता, पर डे हमेशा भगवान की याद करते हैं लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान से ही एक मेरा असली संबंध है। लेकिन अभी कलयुग का प्रभाव जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सब घटता चला जाएगा। और आप देखिए अभी भी बहुत समाज में गिरावट आ गई है, आने वाले समय में लोग जन्माष्टमी, शिवरात्रि, भगवान के तीर्थ स्थान इन सबको बिल्कुल भूल जाएंगे और केवल पापाचार में लगे रहेंगे। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को उस समय जन्म मिला है जब भगवान कृष्ण भी आए और चैतन्य महाप्रभु भी आए। और चैतन्य महाप्रभु चूंकि राधा रानी के भाव में है इसलिए कहते हैं महान दयालु है, महान दया के अवतार है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरत्सवे नमः। ये चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, उनको प्रणाम मंत्र है। महावदान्याय क्यों कहा गया? ये महान दानी है। क्या दान करते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम का दान करते हैं और ये कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो क्या है? वास्तव में असली धन है। बच्चों को याद सता दीजिए, इन बच्चों को इतना भर दीजिए, इसको ले जाते हैं।
वास्तव में जो धन है वो क्या धन है, हम लोग धन को धन न जानने के कारण जो धन नहीं है उस धन में उलझे हुए हैं। वास्तविक धन कौन सा है? जो धन आपके पास रहे, और वो असली धन है प्रेम धन। हम में से कोई व्यक्ति बिना प्रेम किए नहीं रह सकता। कोई, जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई भी बोले कि नहीं हम संसार में किसी से प्रेम नहीं करते, कोई सिंगल व्यक्ति को हमारे पास लेकर के आइए पूरे संसार में कि वो ये कहे कि नहीं हम किसी से, हमें कोई प्रेम है ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम का असली पात्र कौन है, प्रेम करना किससे। प्रेम किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अगर भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुत्तों और बिल्ली से प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम जिससे होना चाहिए, आज हम उस दिशा से बिल्कुल भ्रमित हो गए। प्रेम हमें परमात्मा से होना चाहिए, प्रेम कृष्ण से होना चाहिए, प्रेम भगवान से होना चाहिए। और आज वास्तविकता हम सब की स्थिति यह है कि भगवान को छोड़ करके और हम सबसे प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आप प्रेम कैसे करते हो, प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम होता क्या है, तो हम लोग उसके विषय में नहीं जानते। संसार में भगवान के अलावा किसी और से प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा, ये बात डायरी में नोट कर दीजिए। रोना चाहते हो तो भगवान के अलावा और किसी से प्रेम करो। कितने लोग रोना चाहते हैं यहां बैठे, रोना चाहते हैं संसार को प्रेम करके? भगवान को प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, इसके प्रमाण अनंत संत हुए हैं। एक दो नहीं, अनंत संत हुए। जिन जिन ने भगवान से प्रेम किया वो सब आनंद के सागर में डूब गए। और दुर्भाग्य ये है, अज्ञानता ये है कि हम सब लोग भी आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद चाहते किससे हैं? कभी स्त्री से चाहते हैं, तो कभी पुरुष से चाहते हैं, तो कभी कुत्ते से चाहते हैं, तो कभी बिल्ली से, तो कभी घर से, तो कभी गाड़ी से, तो कभी समाज से, तो कभी प्रतिष्ठा से, तो कभी नाम से। इनसे हम सब आनंद चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है इनमें आनंद है ही नहीं। आनंद मात्र, आनंद घन श्री कृष्ण में है। घन का मतलब समझते हैं? घन का मतलब जहां कोई गुंजाइश ना हो, बिल्कुल ठोस। तो आनंद घन है कौन? श्री कृष्ण भगवान। आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर आप सच में आनंद चाहते हैं तो आनंद घन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर के आपको आनंद मिल सकता है। और वो आनंद देने की क्षमता किसके अंदर है? केवल आनंद के पास। अगर आप धनवान हैं तो धनवान ही तो धन दे सकता है किसी को। पुस्तकालय है तो पुस्तकालय से पुस्तकें दी जा सकती हैं, विद्यालय है तो विद्यालय से विद्या दी जा सकती है। तो जिसके पास आनंद है वही आनंद दे सकता है, और कोई आनंद नहीं दे सकता। जबकि ईमानदारी से बताओ, आप लोग क्या सोचते हो? मेरी पत्नी मुझे आनंद देगी। पत्नी सोचती है पति आनंद देगा, जबकि पत्नी भी भिखारी है और पति भी भिखारी है, न पति के पास है न पत्नी के पास है। तो आनंद लेने आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और खत्म होता है झगड़े में। दो मित्र पहुंचते हैं, सोचते हैं ये मित्र के पास बैठेंगे, ये मित्र मुझे बड़ा आनंद देगा। वो मित्र सोचता है चलो उसके पास चले, वो आनंद देगा। और आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं और अंतोगत्वा परिणाम आप सबको पता है। जिसके पास आनंद है वही आनंद दे सकता है, जिसके पास आनंद है ही नहीं वो आपको कहां से आनंद देगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जानते ही नहीं है आनंद है कहां। आनंद को न जानने के कारण, ये अज्ञान होने के कारण, जहां आनंद है वहां आनंद नहीं लेने की कोशिश करते हैं, और जहां आनंद है ही नहीं वहां बार बार भटकते रहते हैं, बार बार भटकते हैं। और भटकने का ऐसा संस्कार पड़ गया है कि
कि एक आध बार के सत्संग से कुछ होने वाला भी नहीं है, घूम फिर के फिर वही पहुंचेंगे। घूम फिर के हम पहुंचेंगे कि नहीं, मेरी पत्नी मुझे आनंद देगी, मेरा बच्चा मुझे आनंद देगा, मेरी प्रॉपर्टी मुझे आनंद देगी, मेरा धन मुझे आनंद देगा, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा मुझे आनंद देगी। जबकि वास्तविक यह स्थिति है कि आप सबको इन सब चीजों का थोड़ा या बहुत अनुभव है, इनमें वास्तविकता में आनंद नहीं है। और आनंद केवल आनंद घर में है, श्री कृष्ण में है, और वो आनंद प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है चैतन्य महाप्रभु की शरण, गौरांग महाप्रभु की शरण, जिनका आज प्राकट्य दिवस है, जो आज के दिन अवतरित हुए थे। वो चैतन्य महाप्रभु पात्र कुपात्र देखे किसी को भी कृपा कर रहे हैं और हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के भाव में। जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोच। सभी धर्मों को छोड़ो। सब धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। 5000 साल पहले जब भगवद गीता का उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, तब ना कोई ईसाई था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई जैन था, कोई धर्म नहीं था। ये वास्तव में धर्म है ही नहीं। ईसाई धर्म की शुरुआत कब हुई? 2100 साल पहले। मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले। सरदार सिख धर्म 500 साल पहले। 5000 साल पहले कुछ नहीं था। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण? सर्वधर्मान प्रत्यज्य। कौन सा धर्म? ये जो पत्नी वाला धर्म है, पति वाला धर्म है, माता वाला धर्म है, पिता वाला धर्म है, समाज वाला धर्म है, राज्य धर्म है, ये सब धर्मों से निकलो। कहते सब छोड़ो। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मम एकम, मेरी एक। भगवान कहते हैं मेरी, चूंकि मैं एक परमात्मा हूं। ये नहीं कहते देवी देवताओं की शरण में जाओ। भगवान ये भी कह सकते थे, मम एकम क्यों कहते? भगवान कहते 33 करोड़ देवता शरणम, ऐसा तो नहीं कहा। क्या बोलते हैं? मम एकम, मेरी एक शरण ग्रहण करो। उसका लाभ क्या होगा? तुम्हारे इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों में जो तुमने पाप किए हैं उनसे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो। लेकिन राधा रानी की यह भी शर्त नहीं है। कृष्ण की तो शर्त है, पहले परिवार छोड़ो, आसक्तियां छोड़ो, अटैचमेंट छोड़ो, तब कृपा करूंगा, तब तुम्हें मुक्त करूंगा। लेकिन राधा रानी को कोई अभक्त दिखता ही नहीं है। उन्हें सब लगते हैं, उन्हें सबके सब तो सब छोड़ करके भगवान की सेवा कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। राधा रानी महाभाव में स्थित है। उनके विषय में वास्तव में न तो हम चर्चा करने के अधिकारी है, न आप लोग सुनने के अधिकारी है। राधा रानी का भाव बहुत ऊंचा, बहुत पवित्र स्थिति है उनका। तो वो भाव में आए हैं स्वयं कृष्ण। तो इसलिए कैसे हैं? महान दयालु हैं, महान वदान्याय हैं, महान उदार हैं, क्योंकि राधा रानी के मूड में आ गए कृष्ण, है ना। एक व्यक्ति का भी मूड अलग अलग होता है। जैसे कोई डीएम होता है तो डीएम का ऑफिस में मूड अलग होता है और घर पर मूड अलग होता है। घर पर वही डीएम घोड़ा बनता है, बच्चा उसकी पीठ पर लग जाता है, कहता दौड़ो, वो दौड़ता है। लेकिन ऑफिस में मर्यादा उसकी अलग होती है, जबकि व्यक्ति एक ही है। तो सेम ऐसे ही कृष्ण और गौरांग महाप्रभु एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन मूड का बड़ा अंतर है। कृष्ण की शरण में जाओगे तो कृष्ण कहेंगे पहले सबको छोड़ो, तब आओ मेरे पास, फिर बात करेंगे तुमसे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का बस जप करो और अपने घर में रहो, परिवार में रहो, व्यापार करो, नौकरी करो, जो करना है करो, बस निर अपराध भाव से। ये बात बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि वो हरि नाम को जन जन को देने के लिए आए। हरे कृष्ण महामंत्र का सबसे अधिक प्रचार प्रसार उन्होंने किया। यहां तक कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए आज के दिन, उस समय पूर्णिमा जो प्रेजेंट है, आज पूर्णिमा है, ऐसी पूर्णिमा थी और उस समय चंद्र ग्रहण था। और आज भी सौभाग्य है कि आज भी चंद्र ग्रहण है, अभी चंद्र ग्रहण का समय चल रहा है।
हमारे भारत में नहीं देखेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का समय अभी चल रहा है। ऐसे बेला में ही भगवान अवतरित हुए थे। और हमारे भारत में ये संस्कृति है, ये पहले से लोगों को ज्ञान होता था कि जब सूर्य ग्रहण पड़े और चंद्र ग्रहण पड़े तो अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति नाम लेता है भगवान का, उसका करोड़ों गुना फल उसे मिलता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने वाला था, अवतरित होने वाले थे, तब सब लोग क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब महामंत्र का जप कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र, माता सची की कई संतानें हो चुकी थी, 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थी, लेकिन कोई बच्चा उनका बचता नहीं था। नौवे में पुत्र जन्म हुआ, 10वें में चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ, क्योंकि लोगों ने बताया कि आपके बच्चे बचते नहीं है, अगर नीम के पेड़ के नीचे बच्चा का जन्म होगा तो बच्चा बचेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम पड़ा निमाई। और चूंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म का वर्णन विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में है, समय का अभाव है, वरना मैं आपको गरुड़ पुराण बहुत सारे उपनिषदों के अंदर चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का विषय, ऐसा नहीं किसी को भी भगवान मान लो, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसका बहुत सारे पुराणों में वर्णन, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, कई संहिताओं में उनका स्पष्ट उल्लेख है कि राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, यानी राधा और कृष्ण का युगल अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं से ही ये प्रकट होता है कि वो स्वयं श्री कृष्ण थे। जब चैतन्य महाप्रभु छोटा बच्चा जब रोता है, जब रोते थे वो और लोग उनको हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे तो चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते थे। तो बहुत सी माताएं उनको चढ़ाने के लिए क्या करती थी, उनको थोड़ा सा नोच देती थी, तो जैसे नोचते हो और रोने लगते तो वैसे फिर बोलते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोल तो चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाया करते। चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम सुनकर के बचपन से ही चुप हो जाते। एक बार चैतन्य महाप्रभु अन्न प्राशन का संस्कार जब हुआ तो बच्चे के समक्ष रखा जाता है, पैसे रखे गए, भागवत पुराण रखा गया और बहुत सारे खिलौने रखे गए, टॉफियां रखी गई, बहुत सारी चीजें रखी गई और छोटे से बच्चे को भेजा गया कि बच्चा किधर जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु न टॉफी पकड़ते हैं, न गिफ्ट पकड़ते हैं, न धन पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत को जाकर के वो पकड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे से थे, एक बार उनके घर में सांप आ जाता है, नाग, और नाग के साथ वो चैतन्य महाप्रभु खेलने लगते हैं नाग को पकड़ करके। तो घर वाले सब डरते हैं कि ये क्या है, बच्चे नाग से खेल रहा है, जबकि देखते हैं नाग चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा करता है और चला जाता है। कई घटनाएं हैं। एक और लीला है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु घर में थे, सची माता जगन्नाथ मिश्र भगवान के भक्त वैष्णव ब्राह्मणों का विशेष आदर करते थे, कोई भी आता था तो उसका बड़ा अतिथि संस्कार करते थे, उसको रोकते थे, उसका भोजन का व्यवस्था करते थे। तो एक बार उनके यहाँ एक ब्राह्मण आते हैं और वो सची माता और जगन्नाथ मिश्र से बोलते हैं कि मैं अपनी रसोई खुद बनाऊंगा, क्योंकि तो उन्हें भगवान का भोग लगाना, उनके पास अपने भगवान थे, शालिग्राम थे, और उनको वो खुद भोग बना करके भगवान को ऑफर करते थे। तो भगवान उन ब्राह्मण को, जगन्नाथ मिश्र जी और सची माता जी ने उनको सब भोजन का सामग्री दे दिया और वो पूरा रसोई बनाया उन्होंने, और बना करके जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगे वैसे ही निमाई आते हैं, गौरांग महाप्रभु आते हैं और आकर के उसको जूठा कर देते हैं। तो जैसे ही जूठा करते हैं ब्राह्मण बड़ा नाराज होता है, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा रसोई जूठा कर दिया, मुझे सब बर्तन फिर धुलने पड़ेंगे, फिर बनाना पड़ेगा। तो वो फिर से बर्तन धुलता है, फिर से पूरा सामग्री उनको दी जाती है और फिर से वो बनाते हैं, और बनाते हैं जैसे ही भगवान को फिर रखते हैं और भगवान को याद करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर आते हैं और फिर जूठा कर देते हैं। ब्राह्मण बड़ा रोता है, कहता है कि भगवान, आज भगवान की इच्छा है कि हम भूखे ही सोएं, इसलिए अब हम प्रसाद नहीं बनाएंगे।
जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता उनको फिर प्रार्थना करते, बोले नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे होगा, आप मेरे घर में अतिथि हैं और आप अगर भूखे सोएंगे तो ये बड़ा हमारे लिए पाप होगा, आप एक अंतिम बार प्रयास करिए, मैं इस बच्चे को ताले में कुंडी में बंद कर देते हैं बिल्कुल, फिर ये कहाँ से आएगा। और उनको सारी सामग्री दे के सच्ची माता जी उनको लेकर के कुंडी बंद कर देते हैं और अंदर हो जाते हैं वो ब्राह्मण। तब तक सब सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र सो जाते हैं। तीसरी बार प्रसाद बन रहा था शाम के समय, आप सोच सकते हैं कितना समय हो गया होगा। तो उस स्थिति में जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता सो जाते हैं, ब्राह्मण फिर से, चूंकि उसे भगवान का भोग लगाना था, अपने भोग की चिंता कम थी, भगवान को चूंकि भोग अर्पण करना था इसलिए वो भगवान का फिर प्रसाद बनाता है, भोजन बनाता है। और भोजन बना करके जैसे ही फिर ऑफर करने चलता है तो चैतन्य महाप्रभु फिर आकर के वहाँ प्रसाद पाते हैं। जैसे ही प्रसाद पाते हैं तो वो देखता है, वो सोचता है बच्चा तो एकदम बंद था, फिर ये कैसे, तो देख करके फिर भगवान उसको अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं और उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि ये बात किसी और से मत बोलना, चूंकि तुम मुझे बार बार बुला रहे थे तो इसलिए मेरा आना स्वाभाविक था, मैं तो तुम्हारे बुलाने पे ही आ रहा था। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप ही दिखाया, जैसे कृष्ण ने रूप दिखाया वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप दिखाया। और अगर आप उनके विषय में और गंभीरता से गहराई से जानना चाहें तो बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में स्थान है नवद्वीप, नवद्वीप के अंदर नदिया स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, आज भी वो स्थान है जहाँ नीम का पेड़ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान हुआ था। बहुत सारी चैतन्य महाप्रभु लीलाएं थी। एक बार तो श्रीनिवास उनके महान भक्तों में से एक भक्त हैं, उनके घर में लीला कर रहे थे तो उन्होंने एक चमत्कार किया और उनके भक्तों से पूछा, सब भक्तों से कीर्तन कथा चल रहा था, बोले तुम लोग क्या खाने का इच्छा है बताओ, तो भक्तों ने बोला मुझे आम खाना है, जबकि वो आम का सीजन था ही। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अच्छा ऐसा है, आप लोग आम खाने की इच्छा है, बोले हाँ, बोले गुठली लाओ आम का। तो घर में गुठली पड़ी होती है, उन्होंने ला करके गुठली महाप्रभु को दे दी, तो महाप्रभु ने गुठली ली और जमीन के अंदर सबके सामने बो दिया, जैसे ही बोया उसमें से अंकुर निकला और अंकुर निकलते निकलते पूरा वृक्ष आया और उसमें बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम लग गए और चैतन्य महाप्रभु ने वो आम तोड़ तोड़ करके सब भक्तों को दिए और सब भक्तों ने जब उस आम का स्वाद लिया तो वैसा आम का स्वाद बहुत दिव्य स्वाद था उसका। वो कल्प वृक्ष था जहां वो स्थान था जहां आम का पेड़ बोया गया, आज भी वो स्थान है, आम का पेड़ तो नहीं है लेकिन वो स्थान अभी भी है। बहुत सारी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में अगर आप जानना चाहें तो चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अंदर आपको वो चैतन्य महाप्रभु के सारे सिद्धांत और उनकी लीलाएं मिलेंगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, अवतार भी नहीं है, राम नरसिंह वामन परशुराम और जो है वो सब क्या है, भगवान कृष्ण के अवतार है, कृष्ण एकमात्र अवतारी है। उसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु है वो भी क्या है, अवतारी है, स्वयं श्री कृष्ण है और 500 साल पहले आए और उन्होंने बहुत सुंदर सिद्धांत दिए जिनसे हम भगवान को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु आए, अभी कृष्ण आए और अगर अभी भी हमने अपना उद्धार नहीं किया और सिर्फ पैसे पद प्रतिष्ठा मान इसमें ही उलझे रहे और मर करके फिर शरीर लिया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम लोगों को इतना समझना चाहिए, इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि मेरा फायदा किसमें है और नुकसान किसमें है। बुद्धि का काम ही यही होता है कि बुद्धि आपको बताती है इसमें आपका फायदा है और इसमें आपका नुकसान। और हमारी समझ से कोई यहाँ ऐसा नहीं होगा जो कि बुद्धिमान ना हो या उसके पास बुद्धि ना हो। तो अगर बुद्धि है तो बुद्धि का इस्तेमाल करिए और इस बात को समझिए कि आप लोग हमेशा इस संसार में रहने वाले नहीं हैं, कभी भी शरीर छोड़ेंगे और शरीर के साथ संसार की सारी उपलब्धियां सारी संपत्ति सारे संबंध सब कुछ छूट जाएगा तत्क्षण। और क्या जाएगा आपके साथ, नाम धन, जो नाम आपने जपा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये असली धन है, ये प्रेम धन है, ये भगवान का नाम धन है, ये वास्तव में नाम धन प्रेम धन तक पहुंचाने वाला है।
अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो हम सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, मंदिर में नियमित सप्ताह में एक दिन जरूर आना चाहिए, जिससे कि हम सही चेतना में जा सके, सही विषय को समझ सके और अपने आध्यात्मिक जीवन को जी सके। हम शरीर और आत्मा दोनों हैं, है ना, न तो शरीर के बिना हम रह सकते हैं ना हम आत्मा के बिना। तो हमें आत्मा और शरीर को दोनों को ध्यान में रखते हुए 50-50% देना चाहिए, 50% शरीर को और 50% आत्मा को। आत्मा का भोजन अलग है, आत्मा का संबंध अलग है, आत्मा के रिश्तेदार अलग हैं, आत्मा का घर अलग है, शरीर का घर अलग है, शरीर का भोजन अलग है, शरीर के संबंधी अलग हैं। तो वास्तव में दोनों संबंध निभाइए, शरीर का भी संबंध निभाइए और आत्मा का भी संबंध निभाइए। अगर आत्मा का संबंध नहीं निभाओगे तो काम नहीं बनेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं, कैसे करें, भगवान से प्रेम नहीं होता, है ना। कितने लोगों की समस्या है, कितने लोग मानते हैं कि उन्हें भगवान से वास्तव में प्रेम है, ईमानदारी हाथ खड़ा करें। प्रेम है सब, जितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं सबको प्रेम है भगवान से। अच्छा, अभी जो मैं एक कसौटी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कितना प्रेम है भगवान से। आप अपने मेहनत अपने कर्म फल का कितना परसेंट अपने प्रेमी जनों पे खर्च करते हो? अगर आप 50,000 कमाते हो तो 50,000 में पत्नी पर, बच्चों पर, अपने शरीर पर कितना करते हो, और जिनसे प्रेम का वादा कर रहे हैं उन पे कितना करते हैं? कभी आपने देखा कोई पड़ोसी के ऊपर पैसे खर्च करता हो? नहीं करता ना। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर वालों पे क्यों करता है? क्योंकि उनसे वो प्रेम करता है, है ना। और बल्कि वास्तविकता ये है कि जब हम भगवान से सेवा करते हैं तो हमें प्रेम होता है। ये सिद्धांत है, इस बात को आप समझिए। ये चूंकि गौरांग महाप्रभु का बहुत विशेष दिन है, इसलिए मैं एक बहुत विशेष सूत्र आपको फिर दे रहा हूं, ध्यान से पकड़िए इस बात को। आप जिससे प्रेम करना चाहते हो उसकी सेवा करना शुरू कर दो, निस्वार्थ भाव से आपका प्रेम हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है लोगों को उनकी पत्नी पसंद नहीं होती कि भाई इससे शादी होगा, अब हो गई शादी, अब शादी हो गई जबरदस्ती, घर वालों ने, समाज में, दबाव में, किसी भी परिस्थिति में शादी हो गया। अब क्या करता है व्यक्ति, कभी कपड़े लाता है तो कभी मिठाई लाता है तो कभी खाना लाता है तो कभी ये लाता है तो कभी वो लाता है, और लाते 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 सेवा करते करते बेचारा इतना आसक्त हो जाता है कि फिर उसे उससे ज्यादा कोई अच्छा नहीं लगता। पत्नी को छोड़िए, अगर आप घर में कुत्ता पालते हो और उस कुत्ते को खाने की व्यवस्था करते हो, उसे अंडे लाते हो, उसे भोजन लाते हो, उसको बिस्किट लाते हो, उसकी सेवा करते हो, उसको नहलाते हो, उसको घुमाने ले जाते हो, तो कुत्ते से भी क्या हो जाता है, प्रेम होता ही नहीं होता, है ना। और दुर्भाग्य ये है कि हमें हमारा वो प्रेम जितना कुत्ते से है, जितना पत्नी से है, जितना घर वालों से है, उतना भगवान और गुरु और संतों से नहीं है। और ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जब तक हमारा कम से कम 50% गुरु से, भगवान से प्रेम होगा, संतों से प्रेम होगा, वैष्णवों से प्रेम होगा, तब हमें वास्तव में भगवान की प्राप्ति होगी और उनसे प्रेम भी होगा। तो उसका तरीका है कि हम सब लोग, जरूरी नहीं है कि धन से ही सेवा करें, हम शरीर से सेवा कर सकते हैं, लेकिन सेवा के बिना प्रेम नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिए। और भगवान से अलावा किसी और से प्रेम करोगे तो फिर क्या होगा, रोना पड़ेगा। एक और संक्षेप में सूत्र दे रहा हूं। आप सब लोग अपनी दशा बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? हर व्यक्ति अपनी दशा बदलने को तैयार है, वो चाहता है, बड़ा परेशान है, सुख आ जाए, आनंद आ जाए, मेरी दशा बदल जाए, है ना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो सही दिशा नहीं पकड़ता। दशा तो बदलना चाहता है लेकिन दिशा सही नहीं पकड़ता। जिस समय हम सही दिशा पकड़ लेंगे हमारी दशा अपने आप बदल जाएगी। और सही दिशा समझना बहुत आवश्यक है। मंदिर आना अलग बात है और भक्ति करना अलग बात है, पूजा करना अलग बात है और सिद्धांतों के आधार पर भगवान को प्रेम करना अलग बात है।
और जब तक इन बातों को हम गंभीरता से और गहराई से समझेंगे नहीं तब तक हम इनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज चैतन्य महाप्रभु से विशेष प्रार्थना है, क्योंकि आज वो बहुत उदार मूड में है, क्योंकि जब किसी का जन्म होता है या जन्मदिन होता है तो वो बड़ा उदार भाव में होता है, जो मांगो वो दे देता है। तो आज हम सब लोग हृदय से रोते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे गौरांग महाप्रभु हमें अपनी शरण में लीजिए। जन्म जन्मांतरों से हम ये पत्नी बीवी बच्चा घर संसार नाम पद प्रतिष्ठा के चक्कर में घूमते आ रहे हैं, चाहे पशु रहे चाहे पक्षी रहे, हमेशा इस चक्कर में उलझे रहे। अब तो कम से कम हमें अपने चरणों में प्रेम दीजिए, कृष्ण प्रेम दीजिए, असली प्रेम धन दीजिए, जो कि आपको असली में आनंद देने वाला है। तो हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु हम सभी भक्तों पर विशेष कृपा करें, जिससे कि हम सांसारिक आसक्तियों से निकल करके भगवान के चरणों में प्रेम कर सकें। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, एक प्रश्न लेंगे बस। हाँ, दो तीन सूचनाएं हैं। एक तो ये कि आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो मूल दिन तो आज है। संडे के दिन बहुत से लोग आज व्यस्त होते हैं तो नहीं आ पाते, तो सब लोगों के लिए फूलों का होली का अरेंजमेंट किया गया है आज चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में। हम लोगों के लिए, हमारे भक्तों के लिए होली यही है भगवान का जन्म, है ना, भगवान के जन्म की खुशी में वो फूलों से एक दूसरे को आदर करेंगे, है ना, एक दूसरे पर फूल फेंकेंगे। तो उस दिन आप सबसे अनुरोध है, हो सके तो आप लोग भी किलो दो किलो जितना हो सके फूल लेकर के आइए, है ना, हम तो व्यवस्था करेंगे ही आप लोगों के लिए, आप लोग भी थोड़ा लाएंगे तो और आनंद आएगा। तो संडे को 1 से 4 बजे के बीच में ये प्रोग्राम मनाया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, भगवान का छोटा सा कथा बहुत छोटा रखेंगे, कीर्तन अधिक होगा और प्रसाद की व्यवस्था होगी और सब लोग फूलों की होली एक दूसरे पर खेलेंगे। और यही एक मौका होगा जिसमें ये होली मिलन, ये इसमें भक्त आकर के भक्तों से मिले, आपस में संपर्क बनाए और भक्त भक्त से मिलकर के व्यवसाय स्थापित न करें, क्योंकि हम सबका मूड कैसा है व्यवसाय करने का, मंदिर में भी आके क्या सोचते हैं कहां से व्यवसाय किधर सेट होगा, तो दिशा में फिर भटक जाते हैं। मंदिर में आए एक दूसरे से केवल भक्ति की चर्चा करें, भक्ति के विषय में सीखें, भक्ति को जानें, भक्ति को समझें, भक्ति में वातावरण बनाएं और किसी चर्चा में न उलझे न फंसे। हम लोगों को मधुमक्खी और मक्खी दो चीजें हैं, है ना, है दोनों मक्खी, एक मक्खी कहां बैठती है, गंदे स्थान पर, और एक मक्खी कहां बैठती है, फूलों पर, अच्छी मिठाई पर, मीठे स्थान पर, है ना। हम लोगों में से कुछ लोग क्या होते हैं, वो सिर्फ बुराई ढूंढते हैं हर किसी में, गंदी चीज, हाँ क्या बुराई है, अच्छा अच्छा ये बुराई, अरे मैं तो सोच रहा था कोई तो अच्छा ही हो ही नहीं सकता, वो बुराई पर ही बैठते हैं, कितना भी कुछ होगा वो घूम फिर लोगों में बुराई ढूंढ ही लेंगे। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग कौन है, मक्खी, है ना। और जो गुण देखते हैं, मल भी पड़ा है और फूल भी है, मधुमक्खी कभी मल पे नहीं बैठेगी, वो फूल पे ही बैठेगी, है ना। इसी प्रकार से जो मधुमक्खी है वो क्या करते हैं कि लोगों में जो गुण है वो सिर्फ गुण देखते हैं। तो आप में से कितने मधुमक्खी हैं, कितने मक्खी हैं, ये अपने अपने अंदर जान लीजिए। श्री प्रभुपाद की। और संडे के बाद इस संडे होली वाला जो प्रोग्राम है 27 मार्च को, इसके बाद सत्संग जो कि दोपहर में होता था, रविवार सत्संग जो है वो शाम को होगा 7 बजे से, और संध्या आरती का समय भी बदल जाएगा, जो 6:30 बजे आरती होती थी वो 7 बजे से शुरू हो जाएगी। तो 27 मार्च जो ये संडे आ रहा है इसमें तो दोपहर में ही प्रोग्राम होगा 1 से 4 बजे तक, इसके बाद 27 मार्च के बाद जो अगला संडे आएगा उससे जो प्रोग्राम है साप्ताहिक सत्संग का वो शाम को 7 बजे होगा। और आप सबसे अनुरोध है कि नियम बनाएं, हफ्ते में एक दिन आकर के अपनी बुद्धि को सही टॉनिक जरूर दें, जिससे कि पाप करने से बच सके और अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ करके आगे बढ़ सके। जी कोई प्रश्न है? जी जी
नहीं कर पाते कि मतलब हम सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा करें, हम लोग सबको पूछते हैं। जब कभी दिक्कत आती है तो सभी याद आते हैं, तो किसको पूछें तो समझ में नहीं आता। हाँ, उसका कारण ये है, हमारी आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है। हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु की शेल्टर में रह करके उन्होंने पूजा सीखी हो, हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। तो अगर जो गुरु के शेल्टर में है सच में, उनके अल्टर में कृष्ण के अलावा और कोई नजर नहीं आएगा, और अगर और कोई बैठा है तो फिर गड़बड़ है। अब आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कृष्ण मात्र परमात्मा है, सबका आदर करना है, सबको प्रणाम करना है, लेकिन आराधना भक्ति सेवा एकमात्र कृष्ण की करनी है, क्योंकि वही मात्र परमात्मा है। और आपसे कोई नाराज नहीं होगा, कई बार हम सोचते हैं शिव जी नाराज हो जाएंगे, देवी नाराज हो जाएंगे, हनुमान जी नाराज, कोई नाराज नहीं होगा। नाराजगी आपका बुद्धि का भ्रम है। हम लोगों को वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा न मिलने के कारण हम लोग भ्रमित है। वास्तविकता यह है, एकमात्र कृष्ण की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो सकती है। क्या ये प्रैक्टिकल है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को आप चंदन अर्पण कर सको? आपका पूरा दिन चंदन अर्पण करने में निकल जाएगा, लेकिन कृष्ण को अर्पण करने से सबको मिल जाएगा। जैसे पीपल की जड़ में जड़ डालने से क्या होता है, पूरे पीपल को जल मिल जाता है। केवल कृष्ण को डोनेशन देने से सभी देवी देवताओं को डोनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद चतुर्दशी और गणेश पूजा और इस समय लोग आए तो प्रणाम कर लेते हैं, कह रहे नहीं हम तो केवल कृष्ण भक्त हैं। सिद्धांतों को समझिए, अगर सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, बिना सिद्धांतों को समझे भक्ति करेंगे, तो वास्तव में असली लाभ नहीं मिल पाएगा।